नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब चंद महीनों का समय ही बच गया है, ऐसे में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार चलता ही रहेगा। इसी बीच देश के जाने माने चुनाव रणनीतिकार और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है और कहा है कि क्या नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से ये कह सकते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से राजद के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनके नेता बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी इसके समर्थन में मीडिया के सामने बयान देना चाहिए। जब नीतीश कुमार खुद नहीं कह रहे हैं तो यह दर्शाता है कि वो अंदर से क्या सोचते हैं। पदयात्रा के दौरान शुक्रवार को परिहार में प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को राजद और तेजस्वी यादव से कोई प्रेम नहीं है। नीतीश कुमार महागठबंधन में केवल दो कारणों से हैं। एक, अगर 2024 में भाजपा जीत कर आएगी तो सबसे पहले इनको ही हटाएगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश का मानना है कि इसलिए भाजपा हटाए, उससे पहले महागठबंधन बना ले जिससे कि नवंबर 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहे। प्रशांत किशोर ने फिर ये भी कहा कि नीतीश कुमार की दूसरी सोच ये है कि उनकी साल 2025 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ऐसे में उनके बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, जिससे कि लोग कहें कि कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार की सरकार इससे तो अच्छी थी। देश के जाने माने चुनाव रणनीतिकार और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दी है और उनसे पूछा है कि क्या वो सार्वजनिक रूप से ये कह सकते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके साथी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। इस तरीके से चुनौती देते नजर आए प्रशांत किशोर और साथ ही महागठबंधन में शामिल होने के दो कारण भी बताए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केवल दो कारणों से इस महागठबंधन में है। पहला, किसी भी तरीके से वो 2025 में नवंबर तक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहना चाहते हैं और वो ये जानते हैं कि अगर अगले साल भाजपा की सरकार आ गई तो वे उन्हें हटा देगी, इसीलिए वो इससे पहले ही महागठबंधन में जाकर संलिप्त हो गए। और दूसरा कारण उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसके बाद जो सरकार आए वो आज से भी बदतर हो, ताकि जनता आगे चल के ये कह सके कि कुछ भी कहो, नीतीश सरकार इससे तो बेहतर थी। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, ऐसे में ऐसे आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी लगातार चलती रहेगी। वहीं नीतीश कुमार हो या लालू यादव या फिर केंद्र की मोदी सरकार, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अब अगले साल किसकी कुर्सी रहती है और किसकी कुर्सी उसके हाथ से चली जाती है, ये तो अगले साल चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।